आएगा तो आप बोल रहे थे वीडियो वगैरह होगा तो कुछ हेल्पफुल हो जाएगी, तो वो उसमें आएगा। यानी मोस्टली मुझे वही, जैसे मैं आपको बताया था, 90-80% मेरा एकदम उसमें फील्ड वर्क अच्छा है। बस 20% आपकी तरफ से कुछ एडिशनल मिल जाएगा तो वो प्लस पॉइंट होगा मेरा। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब इंस्टॉलेशन के लिए बात करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, देखो हम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, जब हम इंस्टॉलेशन के अंदर में जब बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में आपके आगे स्प्लिट एसी वगैरह, ठीक है ना, स्प्लिट एसी वगैरह आगे आपके, स्प्लिट एसी आगे, विंडो एसी वगैरह आगे, या फ्लोर माउंटेड एसी आगे, इस तरीके के एसी आगे। तो अब हम अगर डोमेस्टिक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक स्तर पे क्या करेगा, कोई भी क्लाइंट वगैरह रहेगा आपसे, तो लोकेशन तो वो ट्रेस करके देगा, या हम उसको सजेक्ट करेंगे कि आपका जो रूम है, आपका जो एरिया है, उसमें आपका जो इंडोर का जो परफेक्ट जो एरिया है, मतलब एक जो लोकेशन है, वो कौन सा फिट बैठता है या नहीं, एक तो हम वो डिसाइड करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे वो चीज़, और हम बताएंगे कि ये आपका एक परफेक्ट एरिया है और इस एरिया में आपका इंडोर लगेगा, है या नहीं, यही करते हैं ना हम, स्प्लिट एसी ओके लगाते यार, हैं तो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। वैसे ही अगर आप बड़ा एसी की तब बात करते हैं, जैसे कोई बड़ा विला बन रहा है, कोई मकान बन रहा है, 5 BHK मकान बन रहा है, तो 5 BHK का अगर मकान बन रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो उसको डिजाइन करने वाले हैं, जो ड्राइंग डिजाइन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि यहाँ इंडोर लगेगा, यहाँ इंडोर लगेगा, यहाँ इंडोर लगेगा, इस रूम में यहाँ पे इसकी ये रहेगा, और वहां पे उसका इलेक्ट्रिकल का पॉइंट भी वो दे देते हैं। तो अब इसमें क्या रहता है कि जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट करते हो, मान लो जैसे ऐसे ऐसे क्या रहता है, जैसे सपोज करिए आप जितने भी जो अभी रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ वगैरह बनती हैं, जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, रियल एस्टेट के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के ड्राइंग देखने को मिलेंगे, आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको, वैसे तो आप अपन किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो विदाउट ड्राइंग तो काम होता नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक जो एक अपना इंडिया है उसकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अधिकतर जो डोमेस्टिक छोटे स्तर के जो एसी होते हैं, इनके लिए ड्राइंग का यूज़ नहीं करते हैं, इसको जैसा मर्जी होता है वैसे लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट पे अगर कोई एयर कंडीशनिंग लग रहे हैं, जैसे कोई टाउनशिप वगैरह बन रही है, वहाँ पे लग रहे हैं, तो वहाँ पे पहले से ही मेंशन रहते हैं कि यहाँ पे इंडोर लगेगा, यहाँ आउटडोर लगेगा, इसका ये लोकेशन है, वो सारी चीज़ें पहले से क्लियर रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस यहाँ पे, कि हम जब भी प्रोजेक्ट पे इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, तो अब आपको एक बात ये नोट करना है कि जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो हम एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बात ये क्लियर रखना है, हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन के अंदर में डोमेस्टिक तो हमने सोच लिया, हमने मतलब मान लिया है कि हम इसको इजी वे में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम डक्टेबल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम डक्टेबल यूनिट की बात करते हैं, तो वहां पे जैसे 3 टन 5 टन इस मतलब जो थोड़ा बड़ी कैपेसिटी के हैं, उनकी अगर अपन बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट लगते कहाँ हैं भैया, अगर हम हमारे घर में लगा रहे हैं, तो बेसिकली हम हमारे अगर डोमेस्टिक या मतलब एवरेज एरिया के अंदर में अगर हम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे स्प्लिट एसी वगैरह, कैसेट एसी वगैरह इस तरीके के लगा रहे हैं। अगर हम कोई भी अगर वॉल माउंट अगर फ्लोर टाइप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एरिया डिपेंड ये करता है कि वो एरिया है क्या, एरिया मीन्स जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर डक्टेबल एसी या फ्लोर माउंटेड जैसे एसी अगर वहाँ पे लग रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये मान के चलिए आप कि वहाँ पे 100% आपका मैप हो गया होगा, जहाँ पे आपकी लोकेशन फिक्स होगी कि इस लोकेशन पे आपका इंडोर यूनिट लगेगा और इस लोकेशन पे आपका आउटडोर यूनिट लगेगा, ये 100% फिक्स हो गई होगा। अगर इन केस अगर ऐसा भी नहीं होता है, जैसे अपने इंडिया में मैंने काफ़ी चीज़ देखा है, जिनको घर में डक्टेबल एसी लगाना है, तो वो फैब्रिकेटर को बुला के बोलते हैं हमारा इंडोर यहाँ लगाना है, यहाँ से डक्ट, यहाँ से ये सप्लाई देना है, यहाँ से ये करना है ना, एक जनरल थिंग बता रहा हूँ मैं, एक जनरल, उनके पास में कोई ड्राइंग का इतना बड़ा वो नहीं रहता, लेकिन वो अपने हिसाब से लगा देते हैं।
लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें ड्राइंग के साथ में ही होती है। अब हम इससे आगे अगर बात करें तो जैसे सिस्टम आ गए आपके, कोल्ड स्टोरेज वगैरह आ गए, आपके वीआईपी सिस्टम वगैरह आ गए, आपके पैकेजेस ही वगैरह आ गए, है ना, और जितने भी सेंट्रल जी यूनिट हैं वो आ गए सारे। अब यहाँ पर ड्राइंग देखने की बात आती है, ठीक है ना। कोई 5 स्टार होटल है आपका, सपोज करिए, अब 5 स्टार होटल है तो आप अपनी मर्जी से तो कहीं ऐसी लगाओगे नहीं, चाहे वो प्रोजेक्ट 5 स्टार होटल का है, चाहे किसी कॉलेज का है, चाहे किसी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग का है। हमारे को तो ये करना है कि हमारे को जो प्रोजेक्ट है उसका ड्राइंग देखना होना चाहिए। जब हम ड्राइंग देखने की बात करते तो हमारे पास में वो कौन सी एक प्रिंसिपल्स हैं जिसके माध्यम से हम ड्राइंग को कैलकुलेशंस और रेट कर सकते हैं, है नहीं, ये पुख्ता चीजें कौन सी है जिससे कि हम जब भी प्रोजेक्ट पे जाएं तो हम ये क्लियर कर सके कि यार यहाँ पे हमारा एयर कंडीशनिंग लगेगा और यहाँ पे हमारा ये रहेगा। तो एग्जाम्पल फॉर मैं आपको कुछ जैसे बता देता हूँ, कुछ ड्राइंग वगैरह बता देता हूँ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ हम इसमें किस तरीके से हम ड्राइंग का मैप करते हैं, किस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, कैसे हम उसका परफेक्ट लोकेशन फाइंड आउट करके अपना यूनिट लगाते हैं ना। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ड्राइंग को कैलकुलेट करके बताता हूँ। अच्छा, इसमें सर एक और एक चीज भी है, ये क्या चीजें, जैसे हमें कोई एक जगह का लोकेशन दे दिया, तो इसमें हमारे इसमें इंक्लूड है कोर्स में कि इसमें कितना टर्म का एसी लगेगा, ऐसे डिजाइन जैसे कैपेसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, हम बता सकते हैं ऐसे कोई सॉफ्टवेयर से या किस तरह से? देखो मेरी बात सुनिए, अगर हम इस तरीके के कूलिंग कैपेसिटी की लगाने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना कैपेसिटी आएगा, यहाँ पर कितना कैपेसिटी लगेगा, तो हम किसको बताएंगे ये बात? कस्टमर को कस्टमर को ये बताएंगे, तो डोमेस्टिक एसी में तो हम बता सकते हैं, समझ रहे हो ना, छोटे एसी हो तो वहाँ तो हम बता देंगे कि आपके यहाँ पे इतना एसी, ये कैपेसिटी का लग जाएगा या ये कैपेसिटी का लग जाएगा, ये तो हम बता सकते हैं कि आपका ये रूम है, ये साइज है, ये आपका हॉल है, ये सब चीजें हैं, तो ये तो हम बता सकते हैं वो डोमेस्टिक अगर आपका प्रोजेक्ट है तो। लेकिन एक बात जानिए आप, अगर वो रेजिडेंशियल नहीं है प्रोजेक्ट, अगर रेजिडेंशियल में ही आप किसी को कंसल्टेंट कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में ही आपको आप किसी को कंसल्टेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे इस एरिया के अंदर में कितने टन का एसी आपका लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पे हैं आप, या आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं या फिर आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे वो क्या होता है कि जब जो ओनर रहता है, जो मेन क्लाइंट रहता है, वो ऑलरेडी उनके पास में मैप कंपनियाँ रहती हैं, उनके पास में आर्किटेक्ट रहते हैं, उनके पास में मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, वो ऑलरेडी आपके मेन प्रोजेक्ट की ड्राइंग को तैयार करता है, और उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है हीट कैलकुलेशन होके, कि आपका जो अच्छा, एरिया है उसके अंदर में आपका जो लगने वाला जो यूनिट है उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, वो सारी चीजें उसके अंदर में पहले से ही मेंशन रहता है। अब इसके अंदर में क्या रहता है कि जैसे हम बात करते हैं ड्राइंग वगैरह की, तो ड्राइंग के अंदर में जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज रीड करते हैं, कौन कौन सी चीजें रीड करते हैं? जैसे सपोज करिए ड्राइंग है, आपको ये ड्राइंग वगैरह दिख रहा है, हाँ, दिखा इस ड्राइंग के अंदर में क्या, देखो मेरी बात सुनो, ड्राइंग है ना, तीन तरीके से अपन, तीन तरीके की ड्राइंग अपने को मिलेगी अपने इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट में, चाहे आपका छोटा एसी हो, चाहे आपका वीआरवी सिस्टम हो, चाहे आपका चिल्ला प्लांट हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तीन तरीके की ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। पहली ड्राइंग मेन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग हो गया आपका, जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा, मैकेनिकल भी आ जाएगा, प्लम्बिंग भी आ जाएगा, फायर फाइटिंग भी आ जाएगा और वाटर सप्लाई की भी आ जाएगा। तो ये जो मेन आपका मेन जो ड्राइंग रहेगा इसमें वो सब मेंशन रहेगा। मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेट जी पाइप अगर किसी रास्ते से, किसी वे से जा रहा है आपका, किसी अंडरस्लिंग से होता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पे आपको उस ड्राइंग के अंदर में ये शो रहेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल का वायर भी जा रहा है, इधर में प्लम्बिंग का भी जा रहा है,
इधर फायर फाइटिंग का भी जा रहा है, तो पूरा एक कॉम्बो मिलेगा आपको। यानी मैन ड्राइंग के अंदर में सब कुछ मेंशन रहता है, एवरीथिंग, सभी तरीके की चीजें मेंशन रहती है। तो वहां पे हमारे को क्या फाइंड आउट करना रहता है उस ड्राइंग के अंदर में, सबसे पहले कि हम जिस फ्लोर पे हैं, मान लीजिए कोई 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग है। अब वहां पे आप जिस फ्लोर पे काम करो, मान लीजिए आपका फ्लोर नंबर 10 है, अब फ्लोर नंबर 10 पे आपके लगभग 20 AC लगने वाले हैं, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपकी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग है उसमें 20वें फ्लोर की ड्राइंग लेंगे आप। क्या करेंगे आप, 20वें फ्लोर की ड्राइंग लेंगे आप। जब 20वें फ्लोर की ड्राइंग लेंगे तो उसमें आप क्या सर्च करेंगे, उसमें आप ये सर्च करेंगे कि आपके जो एरियाज हैं, जिस एरियाज में आपके AC एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगने वाले हैं, वो मेन ड्राइंग आपके पास में आ गई 20वें 10वें फ्लोर की। अब उस 10वें फ्लोर में आपको ये सर्च करना है कि मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहाँ है, क्वालिटी मेरा AC कहाँ लग रहा कितना है, होगा? ठीक है, ओके मेरा AC कहाँ लग रहा है। फिर आप ये सर्च करोगे कि जैसे मान लीजिए ये ड्राइंग है जहाँ पे ये आपके indoor 1 indoor 2 इस तरीके से वहाँ पे लिखा रहेगा आपके ड्राइंग के अंदर में, और प्लस उसमें शेप भी बना रहेगा, AC यूनिट भी लिखा रहेगा वहाँ पे। तो आपको ये सर्च करना है, मान लीजिए एक कमरा है, कोई भी एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, और उस रूम के अंदर में एक AC लगा है आपके फ्लोर पे, 10वें फ्लोर पे एक एक रूम है आपका, उस रूम के अंदर में AC लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता करना पड़ेगा, AC तो लगा आपको दिख रहा है कि ये देखो ये AC लगा है, लेकिन सबसे पहला आपको ड्राइंग के अंदर में क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो ड्राइंग के अंदर में पता करनी होती है, और वो रहती है किसी भी ड्राइंग के कॉर्नर के अंदर में, नीचे नीचे जिस ड्राइंग है आपका उसके डाउन के अंदर में। जैसे ये ड्राइंग है तो यहाँ पे कॉर्नर पे रहेगा, उस पे स्केल लिखा रहेगा। स्केल मीन्स यानी कि आपका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट टेप है आपका, ठीक है ना, तो ठीक उसके अंदर में आपका 1 mm इंटू इक्वल कितना mm आपका उसके अंदर में मतलब आपका मल्टीप्लाई होकर उसका कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए 1 mm, 1 mm है तो 1 mm इंटू 100, यानी 1 mm का इसके, जैसे आप जैसे ये मान लो ड्राइंग है आपके पास में, फ्रंट ऑफ आपके पास में ड्राइंग पड़ा है, उस ड्राइंग में आप मेजरमेंट लिए, आपने स्पेस देगा, स्पेस देखा, तो आप स्पेस कहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ पे मेजरमेंट करेंगे आप, समझ रहे हो ना, मेजरमेंट कहाँ करेंगे हाँ, आप, ठीक है ना। ड्राइंग के अंदर 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? यहाँ पर ड्राइंग को हम नापेंगे जिस तरह से। जब हम फ्लोर, जैसे मान लीजिए 10वें फ्लोर पे हैं, हम जिस रूम में एंट्रेंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होना चाहिए कि हमारा जो AC है उसका पोजीशन क्या है, और वो जिस किस वॉल के टच में है, और उसका जो एंट्रेंस है रूम का, उसका दरवाजा किधर है, उसका जो डोर है वो किधर है। क्योंकि ड्राइंग में ये चीज़ मेंशन रहती है कि ड्राइंग के अंदर में जो आपका ड्राइंग के अंदर में आपका जो डोर होता है, आपका जो रूम वगैरह रहता है उसका डोर वगैरह भी इसमें मेंशन रहता है, ये डोर है, और वहां से जो फ्रंट है आपका इंडोर का, देखो इंडोर जब भी आपका इंडोर लगा रहेगा ना, तो उसके अंदर में आपका जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आपका स्प्लिट AC लग रहा है किसी के अंदर में, मान लो स्प्लिट AC लग रहा है कहीं पे या कैसेट AC लग रहा है, तो एग्जैक्ट लोकेशन किस पोजिशन पे वो लग रहा है वो कैलकुलेट होगा आपका वॉल टू वॉल, फ्लोर टू सीलिंग, समझ रहे हो ना आप। जैसे आपका वॉल टू वॉल होगा, वॉल टू वॉल होगा तो डेफिनेटली आपको देखो सीलिंग से छोड़ना होता है, तो सीलिंग को से तो आपको बताया कि जितना स्पेस अपने को चाहिए, जितना मतलब सीलिंग का मेजरमेंट होता है, मैं आपको यहाँ से हटा के तुरंत उस पर बताता हूँ, मैं इसमें बताता हूँ, पेंट में बताता हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, अभी तो नहीं आ रहा अभी नहीं आ रहा, अभी। जस्ट अ मिनट है, ओके है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। परफेक्ट कैलकुलेशन हमारे को आना जरूरी होता है, हम किसी भी अगर बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, HVAC सुपरवाइजर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या हम हाँ HVAC सुपरवाइजर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे को ये चीज़ आना। अभी आपको नज़र आ रहा है, अभी पावर पॉइंट ओपन हुआ है, पेंट, सॉरी। हाँ पेंट ओपन हुआ है ना,
तो मान लीजिए जैसे कि ये एक आपका रूम है, ओके, ठीक है। इस रूम के अंदर में जो आपका एंट्रेंस है, आपका जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस आपका ये आ गया, ओके, ये आपका एंट्रेंस है, यानी ये आपका एक दरवाजा है जहाँ से आप एंटर होंगे, है ना, जहाँ से आप एंटर होंगे, ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि एक चीज आपको ये पता करना है कि यहाँ पे मान लो आपका कैसेट ऐसे लगा है, ठीक है, राइट ये आपका कैसेट ऐसे आ गया यहाँ पे, ये आपका कैसेट ऐसे आ गया, ठीक है ओके ना, या दो डन कैसेट ऐसे आ गए आपके, इसमें एक इधर आ गया ये आपका कैसेट ऐसे, और राइट एक कैसेट ऐसे और आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, दो कैसेट ऐसे आ गए इसमें, है ना, दो दो टन के दो ऐसे ही आ गए। तो अब जब आप इसको लगाओगे आप, तो आपका जो मेन ड्राइंग रहेगा आपका 10वें फ्लोर का, उसमें ये आपको एसी तो नजर आएगा आपको कि ये मेरा एसी यहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जब मेजरमेंट करने के लिए जाओगे, तो मेजरमेंट करने के लिए आपको जो डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ पता करेंगे, वो ये पता करेंगे आप, जैसे ये राइट एसी साइड है में नहीं। ना, तो एक सेंटर निकालेंगे आप, एक सेंटर जो है वो निकालेंगे आप इधर से वॉल से एसी की कितनी दूरी है, ठीक है ना, वॉल से एसी की कितनी दूरी है आपके मेजरमेंट के हिसाब से, उसमें कितना इक्वल टू वो बता रहा है आपको। मान लो 1 × 100 है, यानी 1 mm बराबर 100 mm है, तो अगर वहाँ पे अगर 10 mm आ रहा है, इट मीन्स 1 मीटर हो गया, 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ओके हाँ है ना, हाँ समझ गया हूँ। है ना, समझ गए ना आप। 1 × अगर 100 इक्वल है और वहाँ 10 mm आ रहा है, तो 1 मीटर हो गया। यहाँ पे बिल्कुल है बिल्कुल ना, जैसे यहाँ पे अगर 1 मीटर का डिस्टेंस आ गया, तो इधर की दूरी तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर की दूरी पता करना है, ठीक है, हाँ, फिर इसको मेजर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको इधर की दूरी पता करना है, ठीक है, बिल्कुल फिर इस एसी से, इस एसी का जो डिस्टेंस है, इस वो एसी पता से, करना है। हाँ, इस एसी से इस एसी का जो डिस्टेंस है वो पता करना है। तो इसके कॉर्नर टू कॉर्नर, जब एसी का अगर इस कॉर्नर टू कॉर्नर आपके पास में मेजरमेंट आ गया, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके मान लीजिए यहाँ पे, फिर आप क्या करोगे, जो अपना जो उसका जो फिटिंग है, उसका जो रोड वगैरह आपको जो फिट करना है, तो आप कॉर्नर से कॉर्नर सीलिंग अंडर सीलिंग का मेजरमेंट करेंगे, यानी ऊपर से जो आपका जितना भी आपको छोड़ना है, यानी वो कैसे निकलेगा आपको, वो बताता हूँ मैं, वो भी मेंशन रहता है आपके ड्राइंग के अंदर में। वो क्या मेंशन रहता है, मान लीजिए जैसे ये दीवार है, सपोज करिए, ठीक है ना, अब ये दीवार है ना, तो दीवार से स्लिंग, मतलब जो आपका जो स्लिंग हो रहा है, ये स्लिंग हो रहा है, ठीक है ना, मान लो ये यहाँ पे डेकोरेशन पैनल वगैरह लगेंगे ना, सारा स्लिंग वगैरह होगा, अब स्लिंग से आपका रूप कितना कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, हाँ, स्लिंग से आपका रूप कितने डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 20 आ गया, मतलब 20 तो क्या, लगभग 50 आ गया, 1 × 50 यानी 500 mm, 500 mm मतलब 500 mm, यानी आपकी जो सीलिंग लग रही है, ये आपका एसी का डेकोरेशन पैनल यहाँ लगेगा, ठीक है, ये एसी का डेकोरेशन पैनल हो गया आपका, तो यहाँ से ये जो आपकी अंडर सीलिंग आ रही है, इस सीलिंग से इसके ऊपर का जो मतलब आपका जो आपका रूफ टॉप आ रहा है, आपका उसका रूफ छत आ रही है जो आपकी, उस रूफ का जो आपका टोटल कैलकुलेशन जो आ रहा है, वो कैलकुलेशन आ रहा है 500, ठीक है, 500 आपका आ रहा है। अब आपकी एसी है, अब एसी का जो है आ रहा है, एसी का साइज कितना आ रहा है, वो भी तो आप मेजरमेंट करोगे ना, एसी का सही है। कितना, वो प्लस करके फिर ऊपर का जो हिस्सा खाली होगा पूरा वो हाँ, उसको आप प्लस माइनस करके फिर इक्वल जो एक्यूरेट जो डेकोरेशन पैनल का साइज है ना, वो फिक्स आ जाएगा, क्योंकि जब आप फिटिंग करेंगे, आपके जो रेफ्रिजरेंट पाइप फिटिंग करेंगे, अगर वो प्रॉपर अगर सही लोकेशन पे नहीं होंगे, तो समस्या आएगी, है ना, और उसमें क्या बिल्कुल रहेगा कि आपका जो परफेक्ट लोकेशन पे अगर आपका एसी नहीं लगेगा, और आपने फिटिंग कर दिया, और बाद में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर आके बोलता है या आपने गलत कर रहे हो, या आपने गलत लगा दिया है, तो वहाँ अपने को समस्या थोड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हम
इसको कैलकुलेट करते हैं। जब ये एसी का कैलकुलेशन आ गया पूरा अपने पास में, तो इस एसी का भी कैलकुलेशन अपने पास में आ जाएगा। इसका भी सेम, इधर से डिस्टेंस आ गया, इधर का डिस्टेंस आ गया, तो इधर से तो अपने को कॉर्नर टू कॉर्नर का ये पता ही चल ही गया ना। और ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट दोनों को पहले आए गए थे, इधर का मेजरमेंट भी अपने पास आ गया, तो ये इजी हो गया अपने पास में, है ना। तो जितने भी सारे इंडोर लगते हैं, जितने भी इंडोर लगते हैं, मैं कैसेट एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इंडोर यूनिट लगते हैं आपके, ओके, जो अंडर स्लिंग लगते हैं, जो स्लिंग के अंदर लगते हैं, चाहे वो वीआरवी सिस्टम के हो, चाहे आपके किसी भी दूसरे सिस्टम के हो, ठीक है ना, डोमेस्टिक में। अब आती है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात, वो आती है रेफ्रिजरेंट लाइन की। ये मान लीजिए आपका स्लिंग है, आपका कमरा है स्लिंग है ना, तो यहाँ पे क्या रहता है, मान लीजिए आपका जो रेफ्रिजरेंट पाइप आ रहा कहीं से भी, ठीक है, आपकी वीआरवी सिस्टम का कोई भी पाइप आ रहा है, या फिर आपके कोई भी एयर कंडीशन का कोई भी रेफ्रिजरेंट पाइप आ रहा है, तो आप जैसे मान लो ये आपका, इसका नाम आ गया BH2, ये आपका BS2 है, ठीक है ना। अब इस BS2 के अंदर में फायर फाइटिंग के भी पाइप रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, फायर फाइटिंग के भी पाइप रहेंगे ना अंडर स्लिंग में, ये मेन ड्राइंग के हिसाब से, हाँ मेन ड्राइंग के हिसाब से। और फिर उसके अंदर में आपके इलेक्ट्रिकल वाले भी रहेंगे, प्लम्बिंग वाले भी रहेंगे, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर में हो, एडिशनल कुछ हो। हाँ, तो हमारा यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेंट, जैसे ये यूनिट है हमारा, जैसे यहाँ पे ये यूनिट लग गया हमारा, ये हमारा यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। अब इस यूनिट की जो पाइपिंग आ रही है हमारी, वो पाइपिंग मान लो ये पाइपिंग आ रही है हमारी, तो ये पाइपिंग आ गई हमारी, ठीक है ना। तो हमारे को अगर मान लीजिए इस तरीके से पाइपिंग का अगर कैलकुलेशन निकालना है, कैलकुलेशन से मेरा मतलब ये है कि दीवार से कितना छोड़ के हमारा अगर कोई पाइप आ रहा है, तो दीवार से छोड़ के अगर दीवार के पीछे से आ रहा है या साइड से फ्रंट से, मान लो यह मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे दीवार से नहीं आ रहा है या इधर से भी आ रहा है, तो भी आपको क्या करना है कि आपकी जो वाल है उससे डिस्टेंस काउंट करना है आपको। क्या करना है, जो भी नजदीक वाल हो, जो भी नजदीक हो, जो भी नजदीक वाल हो आपको, जो आपका इंडोर है, या इंडोर से भी कैलकुलेट कर लो कि आपके इंडोर से लेके वाल की दूरी कितनी है, और फिर आपके पाइप की दूरी कितनी है, वो इक्वल टू होगी आपका जितना एमएम टू इक्वल है ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है, समझ गए ना। हाँ, वैसे अपने को कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहाँ से अपने को अगर मान लो 2 mm आया, 2 × 100 है, तो यानी 200 mm छोड़ के दीवार से हमारे को 200 mm छोड़ के फिर ये अपने को करना है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से तो अपना इंडोर और अपन रेफ्रिजरेंट पाइप की वो कर लेते हैं, सारा मार्किंग वगैरह करके इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है उसकी मेन ड्राइंग में तो हमने केवल इंडोर लगा लिए, लोकेशन हमने ढूंढ लिया, अब सेकंड हमारा एयर कंडीशन का ड्राइंग आता है। उस एयर कंडीशन के ड्राइंग में क्या रहता है, उसमें सिर्फ वही चीज़ें मेंशन रहती है कि हमारा इंडोर, हमारा आउटडोर, उसका रेफ्रिजरेंट पाइपिंग कहाँ से किधर से आ रहा है, ठीक है ना। उसमें वो मेंशन रहती है, जैसे मान लो ये आउटडोर यहाँ आ गए, ठीक है, ये आउटडोर यहाँ आ गए, और यहाँ इंडोर हैं, वो तो इंडोर का तो अपने को पता है कि यहाँ इंडोर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट का पाइप का रास्ता भी ये बता देगा कि यहाँ से किधर से आपका जो रेफ्रिजरेंट पाइप है वो आ रहा है, तो उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेंट पाइप किधर से आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे को ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ से हमारे को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है और स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाती है कि हमारा इंडोर यहाँ है, हमारा आउटडोर यहाँ, हमारी रेफ्रिजरेंट पाइप इधर से आ रही है। इसमें आपका ये मान के चलो कि 75% मटेरियल यहाँ से गायब मिलता है आपको। गायब से मेरा मतलब है या कोई जो मेन ड्राइंग के अंदर में जितने यहाँ पे रहेंगे ना आपको चीज़ें दिखने को, वो यहाँ इतनी नहीं रहेगी, यहाँ आपके सिर्फ एयर कंडीशन सिस्टम और रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, इंडोर आउटडोर वगैरह ये सब चीज़ें मिलेगी। चलो ठीक है, ये तो एक चीज़ हुआ। उसके अलावा क्या है, जैसे आपका वीआरवी सिस्टम है, वीआरवी सिस्टम में क्या है, आपके जो वीआरवी का आपका आउटडोर यूनिट है, मान लीजिए आपका वीआरवी का आउटडोर यूनिट ये यहाँ लगा है, चाहे वीआरवी हो चाहे सॉरी
चाहे वीआरवी हो चाहे वीआरएफ हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, कोई भी सिस्टम हो एक्स वाई जेड, देखो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग चाहे आपका वीआरवी हो चाहे वीआरएफ हो, कोई सा भी हो, बोथ ऑफ टेक्नोलॉजी से बिलोंग जो करने वाला हो, जिनका पाइपिंग वाइब्रेंस से होता है, चाहे वो हीट रिकवरी वाले सिस्टम हो, चाहे नॉर्मल मोड वाले हो, चाहे हीट एंड कूल वाले हो, उनमें जो पाइपिंग रहता है उसका तरीका सब में एक जैसा ही रहता है, बस हीट रिकवरी वाले के अंदर में अलग से रहता है, उसमें एक पाइप एडिशनल आता है वो एक अलग बात है, लेकिन अपने उससे कोई मतलब नहीं है, अपने का मतलब है कि हमारा रेफ्रिजरेंट पाइप किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है और कहाँ हमारा इंडोर है या नहीं हमको। हाँ तो इसमें हीटिंग कूलिंग हमें सेम टाइम में मिलता है ना, इसलिए एक वन एडिशनल पाइप डालते जो हीट रिकवरी है। अब मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पे इंडोर है, अब इस इंडोर के अंदर में अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको रेफ्रिजरेंट पाइप की सप्लाई देनी है और ये आपका सिस्टम है यहाँ पे, और मान लो ये आपका वीआरवी सिस्टम है, ठीक है ये आपका वीआरवी सिस्टम, तो अब यहाँ से जो आपकी जो पाइपिंग आ रही है वो पाइपिंग यहाँ से जाने के बाद में जो आपका दूसरे जो एसी है आपके, यूनिट एक यूनिट दो एसी वन एसी टू एसी थ्री, यानी ये इंडोर यूनिट है और ये आउटडोर है, तो यहाँ से लेके जितने भी जो इंडोर यूनिट्स हैं इनके यहाँ से आउटडोर से लेके के आउटडोर से लेके इंडोर तक में जितना भी जहाँ जहाँ वाइब्रांच लग रहा है आपका, जहाँ पे भी आपका वाइब्रांच लग रहा है जहाँ पे भी, वो सारा उसके अंदर में मेंशन रहता है, प्लस उसमें जितना भी जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक वाइब्रांच लग रहा है यहाँ पे, ठीक है मान लो ये आउटडोर है आपके, दो सिस्टम है आउटडोर के अंदर में, ये दो आउटडोर हैं आपके, दो आउटडोर लगे हैं आपके, एक 20 HP का एक 10 HP का मशीन लगा है सपोज करिए आप, तो यहाँ से जब ये कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में क्या है कि जब ये आपके इंडोर यूनिट को सप्लाई देंगे, आपका जो इंडोर है उसको सप्लाई देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक वाई ब्रांच लग गया है यहाँ पर, एक वाई ब्रांच यहाँ पर लग गया आपका, उस वाई ब्रांच का मॉडल नंबर क्या है वो इस ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहेगा, यहाँ पे जो वाई ब्रांच लग रहा है आपका उस वाई ब्रांच के अंदर में यहाँ पे वो मेंशन रहेगा आपका, आपका जो वाई ब्रांच है उसका मॉडल नंबर मेंशन रहेगा आपका यहाँ पे, और प्लस इस वाई ब्रांच से इस आउटडोर के पाइप की साइज क्या है, क्योंकि आउटडोर से जो पाइप आ रहा है आपका, जो आपका मास्टर यूनिट है वहाँ से जो पाइप आ रहा है आपका स्लेव यूनिट के अंदर में, उसकी साइज क्या है, और वहाँ से जो आपका क्या बोलते हैं इसका जो वाई ब्रांच है उस वाई ब्रांच की साइज क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, और वहाँ से इंडोर जो जा रहा पाइप उसकी साइज क्या है, यानी एवरीथिंग मेंशंस देयर, सब कुछ वहाँ मेंशन रहता है आपकी ड्राइंग के अंदर में, इंडोर की साइज क्या है, आउटडोर की साइज क्या है, और इसके जो लेंथ है कॉपर पाइप की उसकी साइज क्या है, इंडोर का मॉडल नंबर क्या है, आउटडोर का मॉडल नंबर क्या है, आपके रेफ्रिजरेंट में आपके जितने भी जो एडिशनल इसके अंदर में आपका जहाँ जहाँ वाई ब्रांच वगैरह लग रहा है सब कुछ इसके अंदर में मेंशन रहता है, यानी कि आप मैप रीडिंग करने के दरमियान जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तब जो ड्राइंग अपन रीड आउट करना चाहिए था वो ये सारे प्रिंसिपल के अंतर्गत में आती है, जिसमें ये सारे मेजरमेंट होते हैं, तो हम परफेक्ट तरीके से हम किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आसानी से विद डायग्राम। ये आपको समझ में आया, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। हेलो, मैं आपको शेयर करता हूँ ये। इसमें आपको कोई ऐसा कोई है जो मैप के अंदर में आपको कोई दिक्कत दे, कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे मैप रीडिंग के अंदर में दिक्कत आ सकता है? ये जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसमें तो मुझे दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये मेन वाले ड्राइंग में ना इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब समझने में, अभी ये नया है, फर्स्ट टाइम आपने मुझे बताया नहीं, तो इसमें थोड़ा रीडिंग करते करते समझ में आएगा धीरे धीरे ना। जैसे आपने आज हिंट दिया ना कि यहाँ से इतना गैप, यहाँ से इतना गैप वॉल को लेना होता है, फिर जिप्सिंग से लेके रूफ तक का कितना होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना जो चीज है। हाँ बिल्कुल, ये इसमें गलती हो जाती है बहुत लोगों से ना,
फिर वो बाद में इधर लगाने के लिए बोला था, इधर लगा दिया ऐसे, अगर ड्राइंग नहीं हो तो। हाँ नहीं करेक्ट कह रहे हो आप। तो एक्चुअली क्या है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रीड आउट ये करना, फिर ड्राइंग को रीड आउट करना आना चाहिए। और रीड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप थोड़ा सा इंग्लिश सीखो, कोई भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी अगर एज सपोज HVAC टेक्नीशियन काम कर रहा है या सुपरवाइजर काम कर रहा है, आप इंग्लिश सीखो। और जिन लोगों को ड्राइंग आता है उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, चाहे वो सिविल का बंदा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वाट एवर, उसी से आप डिस्कशन कर लो कि यार तेरी ड्राइंग के बारे में बता, तेरी ड्राइंग में कौन सी चीज कहाँ लगा, मेरे इंडोर के अंदर में तेरी पावर सप्लाई कहाँ पर जा रही है, ठीक है ना, और मेरा ड्रेन कहाँ से जा रहा है, मेरा डक्ट कहाँ से जा रहा है, मेरे इंडोर का डक्ट सप्लाई कहाँ से जा रहा है, रिटर्न डक्ट कहाँ से आ रहा है। आप तो नहीं जानते हो, लेकिन वो तो, वो जानता होगा ना, वो जानता होगा तो वो आपको बता देगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं आपको कुछ बता दूंगा कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो वो भी आपको समझ में हिंट्स के तौर पे आएगी। जब आप ऑन द प्रोजेक्ट काम करोगे, जब ड्राइंग आपके हाथ में रहेगी, किसी भी फ्लोर पे काम करते हो, उस फ्लोर का ड्राइंग देखो आप कि मैं इस फ्लोर पे हूँ, इस फ्लोर पे ये देखो मैं भी कहाँ खड़ा हूँ, ये कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैं अभी ये प्रोजेक्ट, मेरे पास ड्राइंग मेरे हाथ में है, मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, इसका लोकेशन क्या है मेरे ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है, मेरे ड्राइंग के हिसाब से मेरा लोकेशन क्या है, और मेरे लोकेशन पे इधर में रूम कौन सा आ रहा है, इधर में रूम कौन सा आ रहा है, फ्रंट में क्या आ रहा है, बैक में क्या आ रहा है, मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ मेरे ड्राइंग के हिसाब से, जो मेन कॉन्टैक्ट ड्राइंग है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में जो फ्रंट ऑफ आपका आता है, जैसे मान लो ड्राइंग मेरे हाथ में है और मैंने देखा कि मेरे बाजू में, मेरे जो फ्रंट में ही आपके यहाँ पे एक दरवाजा आ रहा है, एक डोर आ रहा है, तो उस ड्राइंग के अंदर में ये देखो यार मेरे पास में क्या ड्राइंग में कहीं पे शो हो रहा है क्या, दरवाजा, दरवाजा शो हो रहा है इंडोर यूनिट के लिए, मान लो इंडोर यूनिट आपका जहाँ लगना है, तो आपको ये पता करना है कि किस किस अपार्टमेंट में आप अपना सिस्टम लगाने जा रहे हैं, और प्लस उसका जो एग्जैक्ट लोकेशंस क्या है। आप जब भी है ना, देखो ड्राइंग में अगर आपको सीखना है ना, बड़े प्रोजेक्ट की ड्राइंग सीखना, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ड्राइंग रहती है, आपके हाथ में ही नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग रहती है, लेकिन उसको भी आपको एज अ सुपरवाइज करना रहता है, तो आपको एक काम करना पड़ता है, एक पॉइंट अगर आप पकड़ लोगे ना, एक पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया किसी भी चीज का, मान लो आपने BH1 का पकड़ लिया, यानी जो आपका फ्लोर है 10, उसमें BH1 है कोई भी एक, ठीक है ना, कोई भी एक आप उसका ले सकते हैं, वहां से लेने के साथ में फिर उसके साथ में चलते रहो आप, जहाँ जहाँ आपको जहाँ 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 इधर से उधर, इधर से उधर, सब पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या सिस्टम लगा है, यहाँ पे क्या सिस्टम लगा है, यहाँ पे कौन सा रूम है, यहाँ पे कौन सा बाथरूम है, यहाँ पे कौन सा डक जा रहा है, एवरीथिंग सब कुछ सीख जाओगे आप। आपको सिर्फ उस ड्राइंग को फॉलो करना है एकदम क्लियरली, प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल आपको फॉलो करना है, आप सीख जाओगे इसके अंदर में बहुत इजी वे। और मैं ये आपको, हाँ बताइए। मैं एक चीज पूछ रहा था, ये ब्लूप्रिंट ड्राइंग बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं मेन ड्राइंग को, या वो अलग हाँ होती है हाँ कुछ? बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो। यही है ब्लूप्रिंट ड्राइंग, यही होती है मेन ड्राइंग को बोलते हैं। हाँ मेन ड्राइंग को बोलते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभार मेन ड्राइंग के अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेन ड्राइंग में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट के लिए मेन ड्राइंग डिजाइन होती है, उसके बाद में भी सिविल में चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे। तो जब भी आप एज ए हाँ हाँ प्रोजेक्ट कहीं पे भी मॉडिफिकेशन काम कर हुआ। रहे हो, जब आपके सिस्टम वगैरह लगा रहे हो आप, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मैं जब भी मेरा यूनिट लगा रहा हूँ, तो मैं उसको रीड आउट करूँ, मैं उसको नोट आउट करूँ, कहाँ मेरी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग जा रही है उसको मैं अपनी डायरी में लिखूँ, अपने कंप्यूटर शीट पे लिखूँ, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करूँ, और उसको सुपरवाइजर अगर आप हैं तो अपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियर को आप उसको वेरीफाई कराओ कि मेरा इंडोर यहाँ लग रहा है, मेरी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग यहाँ से इस रास्ते से होती हुई जा रही है, मैंने ये मार्किंग कर दिया है, मैंने ये ट्रेंकिंग लगा दी है, अब मैं यहाँ से अपनी पाइप लेके जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे वेल्डिंग करना है, यहाँ से मेरी वायर ब्रांच लगानी है, या यहाँ से मेरे इंडोर लगाने हैं, या मेरे आउटडोर लगाने हैं, या आउटडोर वगैरह, ये सब चीज़ें आप विदाउट कंफर्मेशन नहीं करना है कभी भी। कंफर्मेशन करके करोगे ना, तो कभी भी आप पे कोई ब्लेम नहीं आएगा क्या,
हनपन मशीन से करोगे आप तो कभी भी आपको कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि यार ये पाइप तो उधर से जा रहा था तुमने इधर कैसे लगा दिया। तो आप उसको बता सकते हो कि यार मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इस तरीके से मार्किंग कर रखी है, मेरा ये रास्ता है और एग्जैक्ट पोजिशन और लोकेशन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ये है और मैंने मेरा इंडोर यहीं पर लगाया है। तो कोई भी जो मेन कॉन्ट्रेक्टर कंपनी है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, या अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो ब्लेम नहीं आएगा आपके ऊपर में किसी भी तरीके का। आपका प्रोडक्ट वेस्ट एरिया मतलब ये जो डक्टिंग वाले होते हैं ना इनके लिए ज्यादा स्पेशल ये चीज लागू होती है, क्योंकि अभी इनको ड्राइंग देखना अगर मान लो किसी को नहीं आता है, मान लीजिए आता है और माइनर नहीं आता है, सपोज करो डक्टिंग वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ जो डक्टिंग का काम करते हैं, अगर उन्होंने गलती से अगर थोड़ा सा भी अगर एक रास्ता भी उन्होंने गलती से चेंज कर दिया ना तो पूरा रास्ता गलत चेंज होता जाता है और वो गलत रास्ता चेंज होते होते पूरा डक्ट की लाइन गलत हो जाती है और उस कंडीशन में क्या करना होता है कि उसको उतारना पड़ता है, उसको छिपाना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, कहीं फेंकना पड़ता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे कंपनी से छिपा के काम करना पड़ता है कि सुपरवाइजर सोचेगा यार मेरे ऊपर आ जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर सोचेगा अरे चलो पागल मैकेनिकल इंजीनियर ने सही नहीं बताया, वो सुपरवाइजर ने कैलकुलेशन सही नहीं किया डक्टिंग वाले ने, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारे डक्टिंग के मटेरियल खराब हो जाता है। तो भी क्लियर करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर करके करो, हर चीज क्लियर करके करोगे कोई समस्या नहीं आएगी, अगर क्लियर करके नहीं करोगे तो हर समस्या समस्या आएगी। हमारे को पता है हमारे सामने अगर कांटे पड़े रहेंगे तो हम उस पर थोड़ी चलेंगे, है या नहीं है, पहले देखेंगे तो सही नहीं यार सामने क्या है। तो हम हमारे प्रोडक्ट चाहे वो कंपनी का है चाहे किसी क्लाइंट का है या किसी कस्टमर किसी का भी है, वॉट एवर, जहाँ पे किसी का भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान होता ही है, और हम एज अ प्रोफेशनल अगर काम कर रहे हैं तो हमारे को नुकसान ना तो कंपनी का होना चाहिए ना अपना होना चाहिए, पूरा हमारे को प्रिपरेशन के साथ में काम करना चाहिए, तो हम कभी भी इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके कोई क्वेश्चन हो मैप के अंदर में तो मुझे आप बताइए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक चीज ये कंफर्मेशन जो लेते हैं जैसे आपने बताया वो रिटर्न में लेना अच्छी बात है, उनके सिग्नेचर वगैरह बाय मेल ले सकते हैं आप, बाय मेल ले सकते हैं आप, बाय मेल ले सकते हैं आप, और उसके अलावा जब ऑन द प्रोजेक्ट वो आए हैं आपके सामने, ऑन द प्रोजेक्ट जब वो आपके सामने आए हैं तो आप उनसे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे साइन करवा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं आप अगर मान लो इस तरीके। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, अगर आप अगर मार्किंग कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल एक तो वो हो गया व्यक्ति जिन्होंने मेन ड्राइंग डिजाइन किया है, आपने तो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में आपकी पाइपिंग करने जा रहे हैं, आपका पूरा काम करने जा रहे हैं स्लेब वर्क से लेके सारा सब कुछ, अगर उसके बाद कोई भी अगर उसके अंदर में बदलाव आता है तो उसके लिए जिम्मेदार तो मेन कॉन्ट्रेक्टर ही हुआ ना, राइट है या नहीं है। आपने पाइपिंग कर दी और फिर बाद में बोलता कि नहीं यार यहाँ पे दो रूम नहीं बनना चाहिए था, यहाँ तो हॉल बनेगा और इसका लोकेशन यहाँ पे ये दीवार आ रही थी यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ये हटेगी यहाँ पे, ये बाथरूम नहीं बनेगा यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन रहेगा, तो आपने जो इधर उधर से पाइपिंग घुमा फिरा के लेके गए थे वहाँ पे आपके इंडोर यूनिट में, तो वो तो वहां से अब वहां पे अगर मान लो कोई दीवार आ रही है तो फिर आप क्या करोगे, वहां से पाइपिंग हटाओगे वापिस, और हटाओगे तो मटेरियल किसका खराब होगा, किसकी गलती अगर है? वो कंफर्मेशन पे साइन किया हुआ होगा तो वो मटेरियल के लिए भर के देगा। यस, हाँ, तो ये सारी चीजें वैसे तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये ऑलरेडी मेंशन रहते हैं अपने जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग कर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन रहती हैं, लेकिन फिर भी एज ए डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के लिए या एज ए हम रिस्पॉन्सिबल होके या एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं कहीं भी, तो ये हमारी जानकारी के लिए हमारे को जरूरी होता है कि हमारे को इस तरीके से काम करना है। एंड इन केस अगर वो जो हमें पता होता है बहुत सारी जगह कि कैपेसिटी से अगर ये छोटा लगा रहा है यूनिट या पाइपिंग साइज ये नहीं होनी चाहिए तो हम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं ना वो लोगों को, या वो नहीं तो वो बोलेंगे नहीं आप जो ड्राइंग में है आप वैसे ही लगाइए। आप मेरी बात सुनिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करोगे तो नुकसान आपका होगा या आपकी कंपनी का होगा, सीधी सी बात है। देखो आपको तो कूलिंग लेनी नहीं है ना भाई, आपको तो कूलिंग लेना नहीं है, आपको तो अपना काम करके निकलना है आपके प्रोजेक्ट से, ठीक है ना, जो उन्होंने बताया आपको वैसे किया, उन्होंने जो कैपेसिटी डिजाइन किया है वो डिजाइन उन्होंने क्या मन से तो किया नहीं होगा, उन्होंने किसी कंसल्टेंट से किया होगा,
ठीक है ना, उन्होंने कहीं किसी कंपनी को हायर किया होगा जिन्होंने वहाँ पूरी हीट कैलकुलेशन निकाली होगी, उनकी कूलिंग कैपेसिटी को डिवाइड किया होगा, उसके बाद में उन्होंने डिजाइन किया होगा, फिर आपकी कंपनी के साथ में उन्होंने बैठ के बात की होगी, फिर उनसे उन्होंने डिस्कशन किया होगा, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ने बैठ के उस पर काम किया होगा, तब जाके तो वो काम होता है। एक टेक्नीशियन का काम तो सिर्फ लगाना होता है, उसको बोला ना ऊपर से बोला कि यहाँ का ये काम कर दे, यहाँ पे वो काम कर दे, यहाँ पे ये पाइपिंग कर दे, यहाँ ये इंडोर लगा दे, ये आउटडोर लगा दे, ये वेल्डिंग कर दे, ये इंसुलेशन कर दे, ये डक्टिंग लगा दे, ये काम एक टेक्नीशियन करता है। सुपरवाइजर काम वो करता है जिसको उसका प्रोजेक्ट मैनेजर या उसका साइड मैनेजर बताता है कि आपको ये काम इससे करना है। और उस साइड पे अगर कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल काम अगर कोई करवाता है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर करवाता है, उसका ये काम होता है वो काम करवाना, और उसको जो गाइड करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो गाइड करता है वो मेन कॉन्ट्रेक्टर कंपनी और जो ड्राइंग मैप डिजाइन करने वाली कंपनी है, जब वो डेली मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, तो वहाँ डिस्कशंस होता है कि अभी इस प्रोजेक्ट पे इस जगह ये काम हुआ है, इस जगह ये काम हुआ है, इस जगह ये काम हो रहा है, इस जगह ये समस्या आ रही है, तो बी क्लियर, अपने को उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पे अपने। देखिए मेन ड्राइंग में इसमें जो पाइप पाइप जो रास्ते से जाता है उसमें नीचे ट्रंक लगाते सपोर्ट के लिए या उसको क्लैंप लगाते, तो पाइप का साइज होगा वही हिसाब से, तो ये भी मेंशन रहता है उसमें ड्राइंग में। हाँ सारी चीजें मेंशन रहता है वो, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक जैसे 2 टन का एसी लगना है, मान लो डोमेस्टिक स्प्लिट एसी है, तो स्प्लिट एसी में 2 टन का लगेगा तो क्या रहेगा, इंडोर और आउटडोर ही तो रहेगा। अब आपको पता है इंडोर आउटडोर में क्या पाइप लगता है 2 टन में, है नहीं है। लेकिन अगर वीआरवी सिस्टम है और इंडोर आपका 2 टन का है, उसकी कैपेसिटी 2 टन की है, तो वहां पे जो पाइप लगना है जो भी इंडोर की कैपेसिटी है वो आपके हिसाब से नहीं लगती है, वो ड्राइंग में मेंशन रहती है वहाँ पे कि इंडोर्स आपके आउटडोर से जो पाइप आ रहा है उसकी साइज क्या है, वहाँ से आपके इंडोर की साइज क्या है, सब कुछ वहाँ मेंशन रहता है। वहाँ तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वीआरएफ में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है पाइपिंग में, और वैसे भी दिमाग लगाने वाली बात भी कहाँ आती है, इसमें आपका सब कुछ मेंशन रहता है। बाकी जो डोमेस्टिक एसी है उसमें तो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लगा सकते हो, आपको पता ही है वो सब चीजें। हाँ क्लियर, ये कांसेप्ट तो क्लियर हो गया आपका ड्राइंग का इनिशियल मैप। आपका और भी कोई कंफ्यूजन हो आपके पास में, कोई भी ऐसा है, कल आप एक बार इसको वापस रीड आउट करेंगे अपन, ठीक है ना, एक बार दोबारा अपन इसको रीड आउट करेंगे, क्लियर करेंगे, परफेक्टली क्लियर करेंगे, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं आए। कल हम ड्राइंग के साथ में करेंगे, कल और मैं भी कुछ कलेक्शंस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे इजी आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, और मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ टेस्ट वगैरह लूंगा आपका मैप को लेके, जिसमें आपको क्लियर समझ में आने लगे एचवीएसी मैप के बारे में। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल अपन इसको रिव्यू करते हैं कल वापस, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। ओके थैंक यू, ओके गुड नाइट।